46, मेरा 3500 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है, 3 साल बाद 1500 रुपये चुका देती है, शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। तो उसने 3500 रुपये लिए और 3 साल बाद 1500 रुपये चुका दी, यानी जो 3500 रुपये हैं वो कितने सालों के लिए थे, 3 साल के लिए थे, ठीक है। तो 35 यानी पी, टाइम यानी 3 साल, आर आपको फाइंड करना है अपॉन में 100, ठीक है। उसके बाद 1500 रुपये वो चुका देती है, यानी इसमें से 1500 रुपये उसने चुका दिए तो बाकी बच के 2000 रुपये, और टोटल टाइम पीरियड था 5 साल, 3 साल यहाँ हो चुका है तो टाइम बच गया 2 साल। तो अब प्रिंसिपल 2000 रुपये, टाइम है 2, और आर आपको फाइंड करना है अपॉन में 100, ठीक है, ओके। अब उसने दिए कितने कितने हैं, 1500 और 2725, और लिए थे आपके 3500 रुपये, यानी इसको सोल्व करने पे आपके पास क्या आएगा, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बराबर है इसके, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 725, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 105 आर, इसको सॉल्व करने पे 40 आर, और यहाँ से आप आर फाइंड कर लेंगे यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपका आ जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 में है, ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपये देने हैं, जबकि बी को ए 6 महीने बाद 1081.50 रुपये देने हैं। यदि वो एक दूसरे को अभी कुछ पैसे देकर अपना हिसाब चुकाना चाहें तो कौन किसको कितना धन देगा, यदि ब्याज की दर कितनी हो, 6% हो, ठीक है। तो उसने को देने हैं 1120 रुपये, ए को देने हैं, यानी 1120 क्या है, आपका अमाउंट है जिसमें हमारा प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट है 1120, प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो बराबर हो जाएगा इंटरेस्ट के, जो है पी इंटू 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया होता और टाइम है 1, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 1000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं बी पे, बी को भी जो चुकाने हैं वो आपका क्या है, अमाउंट है, अमाउंट में आपका सेम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, अमाउंट में से आप पी को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमने पी माइनस कर दिया और ये आपका इंटरेस्ट है, p इंटू 6 इंटू 1 और डिवाइड बाई 2 इंटू में 100, क्योंकि ये था 6 महीने बाद, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे ले तो आपके पास p आ जाएगा 1050 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप a को देने हैं 1000 रुपये और b को देने हैं 1050 रुपये, यानी जो डिफरेंस आ रहा है कितने रुपये का आ रहा है, 50 रुपये का आ रहा है, जो कौन देगा, b देगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, एक बिल जो 7 महीने बाद दें उसकी वर्तमान कीमत 1200 रुपये है, यही बिल यदि 2.5 वर्ष बाद दें तो इसकी वर्तमान कीमत 1016 रुपये होती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो आपको ये जो दिया गया है 1200 रुपये, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा, 1200 प्लस में इस पे जो इंटरेस्ट, ठीक है, 1200 इंटू में आर, टाइम है आपका 7 महीने, इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये अमाउंट आ गया, दिस वन। उसके बाद इसकी कीमत कितनी कर रहे हैं, 1016, ठीक है। तो 1016 अगर इसकी कीमत होगी तो यहाँ से आपके पास अमाउंट ये आ जाएगा, ठीक है,
आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा दिस, ये भी हमारे पास अमाउंट है और ये भी हमारे पास अमाउंट आया। दोनों अमाउंट को आप क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे और वहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आर फाइंड कर लेंगे और आर हमारे पास आ जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में है, एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपये ब्याज पाता है। यदि वह राशियों को अदला बदली कर दे तो 4 रुपये ज़्यादा ब्याज उसको मिलता है। तो बताइए 12% पे कितनी राशि निवेश की गई थी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया जो 12% पे इन्वेस्ट किया था वो एक्स था और जो 10% पे इन्वेस्ट किया वो वाई है। ठीक है, उसको ब्याज कितना मिलता है, टोटल ब्याज उसको 130 रुपये मिला है। तो यानी जो एक्स का इंटरेस्ट प्लस में वाई का इंटरेस्ट किसके बराबर है, 130 के। ठीक है, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है तो 130 इक्वल टू एक्स इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, वाई इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जो 100 है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये सिंपली आपके पास 12x और 10y हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद उसने बोला है कि अगर वो क्या करे, इनको इंटरचेंज कर दें। ठीक है, इनको इंटरचेंज कर देता है तो उसको 4 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलता है। पहले 130 मिल रहा है तो अब कितना मिलेगा, 134 रुपये मिलेगा। एक्स पे यानी अब कितना रखा गया, 10% और वाई पे कितना हो गया, 12%, यही इंटरचेंज किया। ठीक है, तो हमें बताना है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन आने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछेंगे 12%, 12% यानी एक्स की वैल्यू पूछेंगे। तो आप इस इक्वेशन से यहाँ से और यहाँ से आप सॉल्व करके एक्स और वाई दोनों ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं, यानी 1720 रुपये आपके पास अमाउंट हो जाता है। यदि वो 4 बराबर किश्तों में चुकाना चाहता है तो वह प्रत्येक किश्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है। ठीक है, तो 4 किश्तें यानी एक किश्त हमने मान लीजिए उस किश्त का अमाउंट था वो एक्स रुपीज़ था, यानी 4x। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट यानी पी इंटू में टाइम, टाइम क्या है, 4 साल बाद, यानी पहले देगा 4 किश्तें देनी है तो 3, 2 और 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 साल का इंटू में डिवाइड बाय में 100, और ये बराबर है 1720 के। यहाँ से हम सॉल्व करके एक्स फाइंड कर लेंगे, यानी जो एक किस्त होनी चाहिए वो कितने की होनी चाहिए, 400 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में है, 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किश्तों में चुकाना चाहता है, पहले किश्त दूसरी किश्त का आधा है तथा तीसरी किश्त का 1/3 हो, तो तीनों किश्त आपको ज्ञात करनी है और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 10% दिया गया। ठीक है, ओके, तो जो इनका रेशियो रहेगा वो हम क्या रहेगा, 1, 2 और 3 का रहेगा, जो दिया हुआ है ना कि पहले किश्त दूसरी से कितना है, आधा है, तो ये 2 है तो इसका आधा ये 1 हो जाएगी और तीसरी का 1/3 है। ठीक है, तो ये 3 है तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको अमाउंट दे रखा है उसने, तो आप यहाँ से उसको पुट करके और यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स आ जाएगी आपकी पहली यानी 2000, दूसरी आ जाएगी आपकी 2x यानी 4000 और तीसरी आपकी आ जाएगी 6000। क्वेश्चन नंबर 52, ए ने 6% से सरल ब्याज पर 960 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया है कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्तों में
मूलधन का 1/4 भाग होगा एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुका दिया जाएगा। 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कैसे रहेगा, 960 रुपये उसने लिया है, फिर एक चौथाई चुकाता है यानी 720 रुपये बच जाएंगे, एक चौथाई इसका कितना होगा 240, फिर उसने चुका दिए, फिर बच जाएंगे आपके 480, फिर लास्ट में बच जाएंगे 240 रुपये, यानी आपके अमाउंट हो गया 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% के लिए, और जिस प्रिंसिपल अब आपके पास हमने टोटल फाइंड कर लिया है तो उसके हिसाब से टाइम हो जाएगा 1/100, यानी इंटरेस्ट आपके आपके पास 144 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 960 प्लस में 144 यानी 1104 रुपये, और 3 साल तक उसने एक चौथाई चुका चुका है, यानी ये आप निकाल लेंगे तो वो आ गया आपके पास 720 रुपये। ठीक है, इसमें से 3 साल में ऑलरेडी वो दे चुका है 720 रुपये, तो बाकी बच के 384 रुपीज़ जो उसने 4 साल के अंत में चुकाई है, 384 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 53, दो बराबर धन एक ही समय 8% और 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया है। पहला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन 2560 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने दोनों ही फॉर्म में पी मान लिए क्योंकि दो बराबर धन थे, एक 8% और एक 7%। टाइम पीरियड जो दे रखा है पहला दूसरे से 6 महीने पहले का है, तो ये टी टाइम ले लिया, तो 6 महीने पहले यानी टी माइनस में 1/2 ईयर। ठीक है, दोनों का ही इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, तो हमने यहाँ से पी इंटू में 8 टाइम ये, और यहाँ से पी इंटू रेट इंटू टाइम, और दोनों का इक्वल इंटरेस्ट है तो इक्वल रख दिया, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके टी फाइंड कर लिया, टी आ गया आपका 4 साल। ठीक है, तो यानी ये 4 साल है तो ये कितना है, 3.5 साल है। अब आप कहीं से भी मूलधन ज्ञात कर सकते हो, चाहे आप 4 साल से कैलकुलेट कर लो या आप 3.5 साल से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो हमने 4 से किया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी, और अमाउंट क्या होता है, आपको मूलधन ज्ञात करना है पी प्लस में इंटरेस्ट, तो पी और ये आपका इंटरेस्ट पी इंटू में 7 × 4/100, और इस तरह से कितना है 2560 रुपये। ठीक है, तो 2560 रुपये आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अमाउंट के इक्वली आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 2000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 54, 10 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है, यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये लिए थे, 1 रुपये हर बार चुकाया जा रहा है, 1 रुपये चुका दिए यानी बच गए अब आपके पास 9 रुपये, यानी जो भी इंटरेस्ट लगेगा अब इस 9 रुपये लगेगा। ठीक है, फिर आप 1 रुपये चुका देते हैं तो आपके पास बच गए 8 रुपये, इस तरह से फिर आपने एक चुकाए 7, और इस तरह से करते करते लास्ट में 1 रुपये बचेगा और आपने उसको चुका दिया। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल बन है वो ये सारे हमारे क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 10 से लेके 1 तक को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 55 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया 55 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ये मासिक है 1/12। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना जा रहा है हर महीने, 1 रुपये। ठीक है, तो इंटरेस्ट बराबर हो गया आपके 1 रुपये के, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास रेट आ जाएगा 240/11 यानी 21 समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सिमिलर है बिल्कुल इसी की तरह, इसमें आपको 9 रुपये उधार लिए गए हैं, 10 महीने की किस्त पे चुकाने हैं और प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, तो आपको इसमें भी क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56,
एक आदमी 9,000 रुपये की एक टीवी खरीदता है, 2,200 रुपये वो नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1,400 रुपये की 5 महीने की किस्त बनाता है और टीवी उसकी हो जाती है। तो आपको बताना है कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। ठीक है, तो 9,000 का टीवी था, 2,200 तो आपने तभी दे दिए, यानी जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 6,800 रुपीज़ पे, यानी बाकी बचे हुए अमाउंट पे। ठीक है, तो 6,800 रुपीज़ पे कुछ इंटरेस्ट लगा और ये टाइम पीरियड क्या, एक एक महीने बाद चुका रहा, यानी एक महीने का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक महीने का इंटरेस्ट। अब वो 1,400 रुपये दे देगा तो बच गया प्रिंसिपल कितना, 5,400, और ये भी एक महीने के लिए, इस पे भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर इसने 5,400 में से 1,400 फिर से दे दिए तो बच के 4,000 रुपये, और फिर 1,400 दिए तो 2,600, और फिर वो 1,400 देगा लेकिन यहाँ पे बचे कितने, 1,200 रुपये, यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे। वो 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे, इसका मतलब वो 200 रुपये के आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 200 रुपये के जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, यानी जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ से हम ये पूरे टर्म को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आर इंटू 1/1200 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ये सारे को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और ये बराबर किसके, 200 के, यानी इंटरेस्ट के बराबर है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये 20,000 रुपये। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई जिसको आप सॉल्व करके आर फाइंड कर लेंगे, यानी 12%। ठीक है, और अगर आपको इसको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये इक्वेशन ना बनानी हो, जो पैसे बच गए हैं। ठीक है, यानी 9,000 का टीवी था, 2,200 आपने दे दिए, यानी बच के 6,800 रुपीज़। 6,800 रुपीज़ को हमने यहाँ पे रखा, उसमें से 1,400 दे दिए, यानी 5,400 बच गए। फिर आपने 1,400 दे दिए, यानी 4,000। फिर आपने 1,400 दे दिए, 2,600। फिर अब आप कितने दे रहे हो, 1,400, लेकिन बच कितने रहे, 1,200 रुपये, यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल और आपके पास इंटरेस्ट है, और ये मंथली था, 1/12 हो जाएगा, और यहाँ से आप आर फाइंड कर लोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 47,250 रुपये का एक ऋण जो 3 वर्ष के बाद चुकाया जाना है के लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से क्या होगी। इसमें आपको जो फाइंड करना है वो एनुअल पेमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, और एनुअल पेमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दिस इज़ 100 × में अमाउंट डिवाइड बाय में 100 × t प्लस में आर टी, टी माइनस में 1/2। ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया, इसमें फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 100 अमाउंट हमें कितना दिया गया, 47,250 रुपये, 100 टाइम हमारे पास है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5, 5 × 3 और टी माइनस में 1, यानी 2/2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये, यानी साधारण ब्याज की दर जो होगी लास्ट की, कितना उसको भुगतान करना है वो आपके पास ये आ गया। ठीक है, एनुअल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भी सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, 10% साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसमें 4,200 रुपये का ऋण 5 वर्षों में चुकाया दिया जाएगा। ठीक है, सेम है, इसमें आपको अमाउंट दिया गया 4,200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 10%, और टाइम आपको दिया गया, और एनुअल पेमेंट आपसे, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। एक साइकिल 1,500 रुपये की है और 350 रुपये का नगद भुगतान कर देते हैं और प्रत्येक 400 रुपये की 3 महीने तक किस्त चुकाई जाती है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ये सेम क्वेश्चन है टीवी वाले जैसा। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, 1,500 का था जिसमें से 350 आपने दे दिया, यानी बच के 1,150 रुपये, 1,150 में से आपने 400 दे दिए, बच के 750 रुपये,
फिर आप 400 दे दोगे तो बच के 350, लेकिन आप देते कितने हो, 400, यानी एक्स्ट्रा दिए आपने 50 रुपये, वो 50 रुपये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पी आर और मंथली यानी 1/12 इक्वल टू इंटरेस्ट यानी 50 रुपये के, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे आर, तो आर आ जाएगा 26.6%। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 भी सिमिलर है। इसमें आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, 4 वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,900 रुपये के रेट के भुगतान के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। सिमिलर है, आप एनुअल पेमेंट का फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूले में सारे क्वेश्चंस पुट करोगे, 100 × में फॉर्मूला होता है आपका 100 अमाउंट डिवाइड बाय में 100 × में टाइम, ठीक है, आरटी और टाइम माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ हमने क्या करी है, फॉर्मूले में पुट कर दिए, और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3,000 रुपये, यानी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल पेमेंट कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपये। थैंक यू।